Good morning, students. How are you today? We were doing our chapter diversity and discriminations, and today's topic is caste-based discriminations. Caste-based discriminations means to judge any people based on their caste, because in India there is many people related to the different caste. अलग अलग कास्ट के पीपल्स हैं, उस बेस पर लोगों को ये जज करना कि वो कैसे हैं या उन्हें नेगेटिवली जज करना, राइट? इट एग्जिस्ट इन द इंडियन सोसाइटी सिंस एंशिएंट टाइम. प्राचीन टाइम से ही ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो प्रेजेंट है इन आवर इंडियन सोसाइटी. और ये जो है सोसाइटी हमारी जो है दैट इज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन. लोगों को जो जज किया जाता है दैट इज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, कि लोगों का व्यवसाय क्या है. सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू हायरार्की. फोर पार्ट्स में जो है कास्ट डिवाइड की गई है, दैट इज फर्स्ट ब्राह्मीन, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. मीन्स ब्राह्मीन जो है लोग उन्हें सुपीरियर समझा जाता है इंडियन सोसाइटी में. दिस सिस्टम एक्टिविटीज लाइक कटिंग हेयर, कई ऐसी ऑक्यूपेशंस हैं लाइक कटिंग हेयर, मेकिंग पॉट, वॉशिंग एंड क्लीनिंग वर रिगार्डेड एज टास्क ऑफ लेस वैल्यू. इन वर्क को, इन ऑक्यूपेशंस को जो है वो बहुत कम वैल्यू दी जाती है. और कहते हैं कि ना जो स्वीपर्स के काम हैं वो लो कास्ट के लोग करते हैं, तो इससे आप इमेजिन लगा सकते हो कि लो कास्ट के एरिया को कैसे जज किया जाता है, यानी उनके ऑक्यूपेशन बेस पर भी उनको जज किया जाता है. वो डिफरेंट कास्ट के लोग हैं कि लो कास्ट के लोग जो हैं वो ही यही काम करते हैं. पीपल परस्यूइंग दीज प्रोफेशंस विद रिगार्डेड एज अनटचेबल्स. मीन्स जो इस टाइप के वर्क करते हैं, इस टाइप का जो ऑक्यूपेशन है उनको अनटचेबल समझा जाता है. और ये जो रिस्की काम सब हैं, ये सब लेबर वाले काम जो हैं वो इंडियन सोसाइटी में कौन लोग करते हैं, लो कास्ट के लोग करते हैं ऐसा माना जाता है. दैट इज़ रिमूविंग ह्यूमन और एनिमल. जो लोग जो है ऐसे सभी रिस्की काम करते हैं, चाहे वो फिर ह्यूमन और एनिमल वेस्ट जो है वो कलेक्ट करते हों या रिमूव करते हों अदर प्लेसेस पर, या डंपिंग यार्ड्स में थ्रो करते हों, ऐसे काम जो है वो लो कास्ट के लोग करते हैं. ऐसे लोगों की, लोगों का थॉट है. हेयर यू कैन सी द वन इंसिडेंट दैट इज़ रिलेटेड टू द ज्योतिराव गोविंद राव फुले. ये नाम है किसी का. दैट ऑक्यूपाइज ए यूनिक प्लेस. उन्होंने सोसाइटी में या सोशल में ऐसा रिफॉर्मर समझा जाता था, जो महाराष्ट्र से रिलेटेड थे, ये वहाँ रहते थे. ये रिफॉर्मर्स थे, क्रांतिकारी थे, मीन्स उन्होंने कई सुधार किए थे, रिफॉर्मर्स थे. एंड ही रिवॉल्टेड अगेंस्ट द, उन्होंने किस अनफेयर, उस अनफेयर के अगेंस्ट उन्होंने रिवोल्ट की थी जो कास्ट सिस्टम पर डिपेंड थी, कास्ट सिस्टम से रिलेटेड थी. कई लोग आज इस कास्ट सिस्टम को फेस कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में. आज भी मीन्स लोग जो हैं ऐसे सफ़र करते हैं, लोगों से ऐसा नेगेटिवली बिहेव किया जाता है. एन इंसिडेंट रिलेटेड टू द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन विच अकर्ड इन 1848. एक इंसिडेंट जो है वो 1848 में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पर ही रिलेटेड था जो उनके साथ हुआ था, राइट? मोटिवेटेड हिम टू, और इसी इंसिडेंट ने मोटिवेटेड किया उन्हें लड़ने के लिए, अनटचेबल्स के लिए, अगेंस्ट के लिए लड़ने के लिए. मीन्स अपने आप को इक्वल समझने के लिए, दूसरों के साथ इक्वल बनाए रखने के लिए उन्होंने एक रिवोल्ट किया था. ये इंसिडेंट क्या था? वंस ज्योतिराव फुले's फादर वॉज गो टू अ मैरिज, एक मैरिज में गए, वेंट टू ए मैरिज, सॉरी, वो वेजिटेबल वेंडर्स थे, एक वेडिंग में गए थे. और किसकी वेडिंग थी? वो उनकी एक ब्राह्मीन फ्रेंड थे, उनकी फैमिली में वेडिंग थी. एज हिज फ्रेंड वॉज टेकन इन ए प्रोसेशंस, जैसे ही उसके फ्रेंड जो है वो, मीन्स प्रोसेशंस मीन्स उसकी जो मैरिज की जो बारात होती है उसमें वो इन्वॉल्व थे, ऐसे ही ये वेडिंग के प्रोसेशंस में इन्वॉल्व थे. और जब उसके फ्रेंड के रिलेटिव्स को ये रियलाइज हुआ कि जो उसका फ्रेंड है वो लो कास्ट के से बिलोंग करता है, दे इंसल्टेड
हिम एंड इल्ट्रेटेड हिम, जिससे क्या हुआ, उसे काफ़ी हर्ट हुआ, ज्योतिराव काफ़ी हर्ट हुआ एंड ही रिटर्न होम विद टीयर्स इन हिज आइज, राइट। एट होम ही रिकाउंटेड द पेनफुल एक्सपीरियंस टू द हिज फादर। घर आते ही उसने सब कुछ अपने माइंड में सोचा कि ये कितना पेनफुल था, सभी उसने रिमाइंड किया, राइट। तो उसके फादर ने उसे जो है वो काम किया, शांत कर दिया। आफ्टर दिस इंसिडेंट उसने ये डिसाइड कर लिया कि वो इस राइट को, मतलब अपने आप को इस सोसाइटी में दूसरों के इक्वल समझ इक्वल बनाने के लिए वो फाइट करेगा। दिस स्मॉल इंसिडेंट फ्रॉम फुलेस्ट लाइफ क्लियरली शोज दैट कास्ट सिस्टम इज सो डीप रूटेड। इससे ये जो इंसिडेंट हुआ इनके साथ, उससे उसे रियलाइज हो गया कि ये जो कास्ट सिस्टम है ये बहुत डीप रूटेड है, लोगों की सोच में है। तो सोसाइटी सोशल सिस्टम में हमारे जो है प्रेजेंट है, एंसिएंट टाइम से प्रेजेंट है, इसको बदलना जो है वो इजी नहीं है। दैट इज इट नॉट ओनली देन इज पीपल टू असेस बेटर इकोनॉमिक ब्रेक्स। मींस सिर्फ ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है ये सिर्फ उसी पर ही डिपेंड नहीं है कि लोगों को जो है कैसे इकोनॉमिक्स जो ब्रेक्स मिल सके, लोगों को कैसे उन्हें रिजेक्ट किया जाता है कि वो किस हिसाब से अपना ऑक्यूपेशन करे, या ऑक्यूपेशन बेस पर उनको कैसे दूसरे लोगों से डिफरेंट समझा जाता है, बल्कि उनकी रिस्पेक्ट भी कम होती है, डिग्निटी एंड दैट एवरी इंडिविजुअल डिजर्व। जबकि सभी लोग इस चीज़ को डिजर्व करते हैं कि उनकी भी रिस्पेक्ट हो, उन्हें भी इकोनॉमिकली जो है वो डिफरेंट ना समझा जाए, लोगों के इक्वल समझा जाए, राइट। कैन यू इमेजिन, अगर आप इमेजिन करके देखो कि अगर इसके प्लेस पर आप हो और लोग आप पर जो है स्निगर्स मीन्स लाफ करते हैं, आप पर हंसते हैं, आपकी खिल्ली उड़ाते हैं, बिकॉज यू बिलोंग टू एन ओप्रेस्ड क्लास, मीन्स उस क्लास से रिलेटेड हो जिसमें लोग आपको जो है वो नेगेटिवली बिहेव कर रहे हैं, राइट। इमेजिन द प्लाइट ऑफ पीपल्स हु गो थ्रू दिस एवरीवे। ऐसे लोगों की सिचुएशन को समझो जिनके साथ ऐसा बिहेव किया जाता है, राइट। दिस कास्ट सिस्टम गेव राइज टू हैटर्ड एंड अवर सोसाइटी वीकर। इसी कास्ट सिस्टम जो है इसने हमारी सोसाइटी को जो है वो बहुत वीक किया है, और ये सोसाइटी जो है डिफरेंट कास्ट के पीपल्स नेचुरली हमारी सोसाइटी में मिलते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने ये जो है वो ये जज कर लिया, ये रियलाइज हो गया कि कास्ट सिस्टम जो है वो हमारे इंडिया को डिवाइड कर सकता है, क्योंकि डिफरेंट कास्ट के पीपल हैं ये, उनमें जो है आपस में कई बार जो है डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। तो इट वाज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल्स के ड्यूरिंग ही हमें ये रियलाइज हो गया था कि दिस कास्ट सिस्टम डिवाइडेड ऑल इंडियंस, सभी इंडियंस में जो है, सभी इंडिया में पूरे कास्ट सिस्टम जो है वो फैला हुआ है। डिफरेंट कास्ट के पीपल्स जो हैं वो यहाँ रहते हैं, एक दूसरे को डिफरेंटली जज करते हैं, डिपेंड्स ऑन देयर कल्चर्स, डिपेंड ऑन देयर बिहेवियर, डिपेंड ऑन देयर कास्ट। बीइंग ए परफेक्ट रोल मॉडल, गांधी जी ने क्या किया, एज स्टार्ट द शूद्र जो पीपल्स थे सोसाइटी में, जो लास्ट जो लो कास्ट के लोग जो फोर्थ थे, डिवाइड किए गए थे, उन्हें उन्होंने हरिजन कहना स्टार्ट कर दिया था, मीन्स चिल्ड्रन ऑफ द गॉड। ही लिव्ड एंड वर्कड विद देम, वो उनके साथ रहे भी, उनके साथ काम भी किया, ताकि उनको भी सोसाइटी में जो है वो इक्वल वैल्यू मिल सके। सम पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन ग्राउंड ऑफ बीइंग पुअर एज वेल एज फॉर बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर ग्रुप्स। और कई लोगों के साथ बिहेव जो है वो नेगेटिवली किया जाता था बिकॉज दे आर पुअर, बिकॉज दे आर हैव डिफरेंट कल्चर, राइट। एंड फॉर एग्जाम्पल आज भी कई ट्राइब्स ऐसी हैं, कई ट्राइब्स ऐसी फॉरेस्ट एरियाज में या जंगलों में ऐसी हैं जिन्हें जिनका पता ही नहीं है, राइट। इंडिया आर द मोस्ट नेग्लेक्टेड सोशल ग्रुप हैं ट्राइब्स, मतलब इन्हें कोई वैल्यू नहीं दी जाती जो ट्राइब्स लोग हैं कई फॉरेस्ट में जो रहते हैं। इवन आफ्टर सो मैनी ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, इतने साल की इंडिपेंडेंस के बाद भी कई ऐसी ट्राइब्स हैं जिन्हें कोई वैल्यू नहीं दी जाती है, एट प्रेजेंट भी ऐसा है। दे आर इकोनॉमिकली एज वेल एज सोशली बैकवर्ड बिकॉज ऑफ कल्चरल डिफरेंस। वो उन्हें अलग क्यों समझा जाता है, क्योंकि वो जो है दूसरे लोगों से डिफरेंट है ऑन द
बेस्ड ऑन देयर कल्चर्स. कल्चर्स का डिफरेंस होने से और सोसाइटी में जो इकोनॉमिकली है यानी वो रिच नहीं है, पुअर हैं, तो उन्हें जो है वो अदर पीपल से जो है वो डिफरेंट समझा जाता है. राइट, वी हैव कवर्ड वन टॉपिक इन दिस क्लास एंड नेक्स्ट टॉपिक वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड टिल देन नेक्स्ट क्लास कीप इन टच विद मी. ओके, बाय बाय.